तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर भारती ने मुझे एक कैमरा वाली पेन दी और नकली दाढ़ी मूछ, जिससे मुझे कालाबाजारी करने वाले पहचान न पाए और हमारे मिशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने माइकल नाम के मिडलमैन को मिलकर पहला पड़ाव तो पार कर लिया। कैश है तो ऐश है तो ऐश है। अब तो मिलेंगे ना इंजेक्शन? हाँ मिलेगा मिलेगा सर। मेरी कालाबाजारी करने वालों के साथ मीटिंग भी फिक्स हो गई और उन्होंने मुझे इस रंग तरंग रिसोर्ट में रुकने के लिए कहा। ओह अच्छा, इसीलिए आप लोग इस रिसोर्ट में आए थे। फिर हम पर किसी को शक ना हो, इसलिए मैं और पोपट भाई नामा होलिया बदल कर रंग तक रिसोर्ट में आए। और मैं बन गया राजमणि और ये मेरी बेटी चिंतामणि। ऐसे विक किधर है? विक पहन के बताओ ना। नहीं नहीं सेठ जी, वो विक तो पुलिस के पास है ना, याद है वाटर पार्क के पानी में वो विक पुलिस को तैरती हुई मिली थी। सर यहाँ किसी की विक मिली है? हाँ बराबर भाई, और मस्त विक थी पोपट लाल की। ये जब पहनता था पोपट लाल विक तो पहचान में ही नहीं आता था। हमने सबको बोला कि मैं अपनी बेटी चिंतामणि की शादी के सिलसिले में इस रिसोर्ट में आया हूँ और ये सुनकर हमारे मैनेजर साहब चिंतामणि पर लट्टू हो गए। डोंट वरी सर, आपकी बेटी के लिए लड़का तुरंत मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके सामने ही हो और आपको नजर नहीं आ रहा हो। सर आप तो चिंतामणि जी का हाथ दिखा रहे थे तो सोचा कुंडली के बारे में भी पूछ लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको परेशानी भी, लेकिन ये बात सच है कि मुझे शादी करनी है। ये मैनेजर साहब है रिजॉर्ट के, इनकी भी हालत बेचारे हमारे पोपटलाल जैसी है। मतलब उनको शादी करनी है लेकिन लड़की मिल नहीं रही है। अरे 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 पोपटलाल, ये तब तो हो गया लेकिन आगे क्या हुआ वो बताओ। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कालाबाजारियों के साथ पूल पे मेरी मीटिंग फिक्स हो गई थी। कालाबाजारी करने वाले मुझे मिलने आने ही वाले थे कि तब मैं पूल में गिर गया और मेरे नकली दाढ़ी मुझ निकल गए। फिर कालाबाजारी करने वालों को डाउट हो गया कि मैं नकली कस्टमर हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफ आदमी जब भी झूठ बोलता है ना तो उसे पसीना आता है। फोन पूरा खाली है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। मेरी मानो तो तुम सीधे पहले अपने घर ही जाना, किसी से बात करने की फोन करने की जरा भी गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपने घर ना पहुंच सको। अरे बाप रे, फिर डॉक्टर आदि आप बचे कि नहीं? क्या लगता है बच ही गए होंगे? अरे क्या सवाल कर रहा है ये? अरे हाथी का बच गया इसलिए तो अभी हमारे साथ है। भण्या पर गण्या नहीं। क्या? अरे डॉक्टर आजी, फिर वो मिशन काला कौवा तो मुश्किल में पड़ गया होगा। हाँ सही बात है, मेरी असलियत उनके सामने आ जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ डील ही नहीं की। स्टिंग ऑपरेशन भी अधूरा रह गया और उन्होंने मुझे मुंबई वापस भेज दिया। फिर मैं गोकुलधाम आ गया। मुझे टेंशन हो गया कि अब हमारा मिशन फेल, लेकिन मैंने ठान ली कि किसी भी तरह मैं कालाबाजारी करने वालों को पकड़ कर रहा हूं, इसलिए मैंने जेठालाल को यहां बुलाने का सोचा। वाह कहानी में ट्विस्ट। हाँ हाँ, और फिर कहानी में एजेंट 007 गड़ा फैमिली की एंट्री। हाँ
पोपटलाल ने मुझे इधर बुलाया तो सही, लेकिन झूठ बोल के बुलाया कि भाई इधर रिजॉर्ट में 200 टीवी और 200 फ्रिज की जरूरत है, तो तुम इधर आ जाओ। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, और भेड़े को लगा कि मैंने जेठालाल को बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो वो आचार पापड़ के ऑर्डर के लिए मेरे पीछे पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि जरा तुम्हारी जान पहचान से मेरे भी आचार पापड़ का कुछ करो वहाँ पे। वो जेठालाल की टीवी और फ्रिज की डील हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। क्यों? अरे बड़ा ऑर्डर है भाई, कंफर्म होने में टाइम लगता है। नहीं बराबर बराबर है, ऐसे ऑर्डर में घाई नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे आचार पापड़ का जो ऑर्डर है ना वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। पटलाल अभी मैं सॉरी बोल चुका ना भाई, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे सॉरी सॉरी बेटे सॉरी। तो मुझे तो मुझे तो यही था कि पोपटलाल ने मुझे 200 टीवी और 200 फ्रिज के ऑर्डर के लिए इधर बुलाया है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से बापूजी भी कहीं बाहर गए नहीं है और रिजॉर्ट में जाना है, तो चलो बापूजी को भी साथ में ले लेता हूँ, वो भी थोड़ा घूम लेंगे। कहाँ? अमेरिका? नहीं नहीं इतनी दूर नहीं, यही मुंबई के पास में एक रिजॉर्ट है वहाँ। और बागा तो मेरे साथ मीटिंग के लिए आने ही वाला था, तो इस तरह मैं बापूजी और बागा हम तीनों इधर आ गए। हाँ और हम लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन ये पोपट तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। नहीं मतलब दिखा। हाँ गया ये। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन हम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए क्योंकि वो तो बूढ़ा बन के घूम रहा था ना। तो बताए ना। और यहाँ पहुंचे तो एक और मुसीबत जिसके बारे में हम में से किसी को पता नहीं था, उन काला बाजारियों के साथ काम करने वाली दीप्ति जो इस रिसोर्ट में नौकरी करती थी और हम सब पर नजर रखती थी, हमें उससे भी बचना था। ओ यारो, ये काला बाजारियों ने तो बड़ा भारी प्लान बनाया था। बहुत चालाक था काला बाजारी करने वाला, लेकिन हम भी कम नहीं थे। किसी को हम पर शक न हो इसलिए हम लोग छिप छिप कर बोटिंग के बहाने मिले, और जैसे ही जेठालाल को मिशन के बारे में पता चला, हिम्मत करके वो भी मेरे साथ मिशन में जुड़ गया। ये कच्ची माड़ू अभी यह मिशन काला कौवा को सफल बना के ही रहेगा। और फिर जेठा भाई भी हाथी भाई के जैसे हुलिया बदल कर माइकल से मिलने के लिए गए। तो मैं हुलिया बदल के और जैक्सन के पास पहुंचा तो सही। जैक्सन नहीं माइकल। हाँ सॉरी माइकल। तो हुलिया बदल के मैं माइकल के पास पहुंचा, लेकिन दवाई की काला बाजारी करने वाला जो मेन बॉस है ना बहुत चालाक था। उसने क्या किया, अपना जो कोडवर्ड था कैसे तो ऐसे उसको बदल दिया। तो कैसे तो ऐसे को सफेद कबूतर बना दिया। अभी मुझे तो पता नहीं था कि कोडवर्ड बदल गया, तो मैं तो वो जैक्सन के सामने भाई सॉरी वो मेरे दिमाग में पता नहीं वो जैक्सन ही फिट हो गया, छोड़ो ना वो ही है माइकल वो ही है। तो मैं तो जैक्सन माइकल के सामने मैं तो वही बोलने लगा, कैसे तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे। लेकिन वो माइकल मुझे बिल्कुल भावी नहीं दे रहा था, तो मैं भी सोच में पड़ गया क्या हो रहा है, कुछ प्रतिकार क्यों नहीं दे रहा है। लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो, चलो निकलो यहाँ से अभी है? निकलो इधर से कि पुलिस को बुलाऊं। बाय। फिर तो बोला अभी पता नहीं क्या करूं, तो फिर मैं तो ऐसे ही विला मोटे वापस आ गया। ओ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें लग रहा था कि हमारा मिशन फेल हो गया। ऊपर से काला बाजारी करने वाले को भी डाउट हो गया था कि रिसोर्ट में कोई है जो उन पर नजर रख रहा है।
अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात थी। हाँ बेटा, इसीलिए कालाबाजारी करने वाले ने अपने साथियों से कह दिया कि रिसोर्ट में जो कोई भी हो उन सब पर नजर रखो। और मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो बार बार हमारे आसपास घूम रहे हैं। और फिर हम ये ढूंढने लगे कि रिसोर्ट में कालाबाजारियों के साथ कौन मिला हुआ है। और ये प्लान हमने छोटे स्विमिंग पूल के पास बनाया। हमें चार लोगों को चेक करना है। एक तो ये मैनेजर, दूसरी वो दीप्ति, तीसरा ये वेटर और चौथी वो रिसेप्शनिस्ट संजना। हमको झिनझिन तो जिन जिन लोगों पे हमको डाउट था उन लोगों से हमने बात की। मेरे इस समय मैनेजर साहब आए तो मैं मैनेजर साहब से बात कर रहा था, तो मैनेजर साहब से बात करते करते एक नई बात ही पता चली जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा क्या हुआ? रिसेप्शन के ऊपर संजना नाम के रिसेप्शनिस्ट एक लड़की खड़ी रहती थी। वो थी शादी शुदा लेकिन अपने आप को कुंवारी बताती थी। हमारी कंपनी को 25 साल पूरे होने पर हमने एक लकी ड्रॉ निकाला और उस लकी ड्रॉ में आपका नाम सिलेक्ट हुआ है मैडम। ओह वाओ। लेकिन मैडम एक छोटी सी शर्त है। ये जो फ्री गिफ्ट है वो सिंगल लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। तो मैडम अगर आप शादीशुदा है तो ही आपको ये फ्री गिफ्ट मिल सकती है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा ही हूँ। और एक थोड़ी आड़ बात, वो दिखने में एकदम मतलब वो थोड़ी सुंदर थी और भोली थी बेचारी, ऐसी दिखती थी। तो अपने पोपट लाल जी को तो पहली नजर में ही उनसे मतलब पसंद आ गई थी और उनसे शादी करने के वो सपने देखने लगे थे। पोपट भाई तो ये मिशन खत्म करके संजना को प्रपोज भी करने वाले थे। आप लोगों को पता है आखिर में संजना ने ही हमें कालाबाजारी करने वालों तक पहुंचाया। खतरों के खिलाड़ी पोपट भाई ने संजना के बारे में पता चलते ही एक खतरनाक प्लान बनाया। अभी मेरे को पहचाना? पोपट भाई ने अपनी सारी हकीकत संजना को बता दी और उसे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं यहाँ कालाबाजारियों के खिलाफ जंग जीतने आया था पर अपना दिल हार बैठा। मैंने आप लोगों को लवर्स ब्रिज दिखाया था ना, वहीं पर मैंने संजना को प्रपोज किया था। मेरा प्लान ये था कि अगर संजना कालाबाजारी करने वालों के साथ मिली हुई होगी तो वही मुझे उन तक पहुंचाएगी और मैं उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लूंगा। लेकिन अगर संजना कालाबाजारी करने वालों से मिली ना होती तो? ओ, संजना के साथ मेरी शादी हो जाती। अरे यार, लेकिन शादी से बड़ा मेरा मिशन था कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने का मिशन, देश की सेवा का मिशन। क्या बात! फिर संजना ने वही किया जो मैं चाहता था। मैं अपने पापा से मिलाती हूँ ये बोलकर संजना मुझे कालाबाजारी करने वाले मदनलाल के पास लेकर गई। हाँ, तब तक हम पोपट भाई के पीछे ही थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो दीप्ति उन कालाबाजारियों के साथ मिली हुई थी, उसने हमें उलझा दिया। तो ऊपर चले गए। ये क्या लिखा है? अंदर अंडर मेंटेनेंस रिपेयरिंग। हाँ, और बेचारे पोपट भाई किडनैप हो गए। अरे अरे अरे, चलो पहले हमको जाना था। चलो पहले एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले शादी का लड्डू तो खाओ। अरे बाप रे, मदन लाल ने मुझे और भारती को वाटर पार्क में बंद कर दिया। वाटर पार्क एक साल से मेंटेनेंस के लिए बंद था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। जेठालाल, तुम्हें और पांडे जी को कैसे पता चला कि कालाबाजारी करने वालों ने हमें वाटर पार्क में बंद करके रखा है? पर हाँ, चालू पांडे जी को यहाँ पे बुलाया किसने? ये मैनेजर साहब ने। वो मुझे दवाई की कालाबाजारी करने वाला समझ रहे थे। ओ, क्यों?
क्या हुआ, ये मैनेजर साहब दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिले हुए है कि नहीं वो जानने के लिए मैं उनको मिलने गया था। अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, कोरोना वायरस की दवाई की काला बाजारी का। और दूसरी तरफ उस दीप्ति को पता चल गया कि हम लोग पोपटलाल के साथी है। हमारी बातें किसी ने सुन ली? क्या, किसमें? बस 3 लोग हैं, इसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उनमें से एक की शादी के बाद चिंतामणि से चल रही है। इडियट, वो तीनों पोपटलाल से मिले हुए हैं। तो उस लुच्ची ने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। अरे बाप रे, मतलब आप चारों तरफ से घिर गए थे। हाँ? अरे एक तरफ वो कालाबाजारी करने वाले के गुंडे हमारे पीछे थे और दूसरी तरफ चालू पांडे बेटा था, और उस वक्त पोपटलाल की जान खतरे में थी। ओहो, कालाबाजारी करने वाले मदन लाल ने 6 बजे की मीटिंग फिक्स की थी और अपने आदमी से कह दिया था कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो हमें भी खत्म कर दे, इलेक्ट्रिक शॉक दे। मेरी 6 बजे की मीटिंग है जो 6:30 बजे खत्म होगी, अरमान बस उसी वक्त तुम ये बटन दबा देना और पानी में फैल जाएगा करंट। और इधर रिजॉर्ट में हम लोग भेष बदल के पोपटलाल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि अचानक चालू जी पांडे जी ने हम सबको पकड़ लिया। चाचा बागा और जेठालाल तुम? और फिर बड़ी मुश्किल से हमने पांडे बेटे को समझाया कि भाई हम थोड़ी कालाबाजारी करने वाले हैं, हम तो उल्टा दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने आए हैं। हाँ। तब जाके उन्होंने हमको छोड़ा, लेकिन छोड़ते ही हो तो नाराज हो गए कि तुम गोकुल ना वाले कभी सुधरोगे नहीं ना, हर काम तुमको खुद को करना होता है, पुलिस को कुछ करने ही नहीं देना होता, ऐसा बोल के वो जोरदार नाराज हो गए। तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? क्यों? अरे क्या क्यों, दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने का काम भी गोकुलधाम वाले करेंगे, हम पुलिस वाले क्या करेंगे? हैं? पोपट अंकल आपकी जान कैसे बची, क्योंकि आपको तो वाटर पार्क में बांध के रखा था ना। फिर हम लोग पोपट लाल को रिजॉर्ट में सब जगह ढूंढ रहे थे, हमने एक छोटी सी बच्चे की आवाज सुनी, वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे वाटर पार्क में जाना है, मुझे वाटर पार्क में जाना है। तो उसकी मम्मी उसे समझा रही थी कि बेटा वाटर पार्क तो बंद है, लेकिन वो बच्ची बोली कि नहीं वाटर पार्क चालू है, मैंने वहाँ लोगों को आते जाते देखा है। ये सुनते ही चालू पांडे जी और मेरी, हम दोनों की नजरें मिली। चालू जी, पांडे जी, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, और हम दोनों के दिमाग में एक साथ ही आइडिया चमका कि अरे हमने पूरा रिजॉर्ट ढूंढा लेकिन वाटर पार्क में तो देखा ही नहीं, इसलिए हम सब पोपटलाल को ढूंढने वाटर पार्क में गए। अरे मैनेजर बेटा, वो बच्ची अभी भी है रिसोर्ट में? हाँ सर, वो यही है। हाँ तो उसे प्लीज यहाँ लेकर आओगे? ठीक है सर। भगवान ना किसी ना किसी रूप में आके मदद करता ही है। नहीं, बच्ची ने कमाल किया है, छोटी बच्ची ने, उसको पता नहीं था कि वो कमाल कर रही हो, तो बेचारे बात कर रही थी मम्मी से। आइए। अरे वाह, ये है वो हमारी नन्ही परी। मित्रों, जब आप सच्चाई की डगर पे चलते हैं और कोई मुसीबत आती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। पोपटलाल सच्चाई की डगर पे चल रहे थे, मुसीबत आ गई, चारों ओर टेंशन के बादल, कोई राह नजर नहीं आ रही थी, ऐसे में एक बच्ची के रूप में ईश्वर ने मदद की। बच्चों से सीखिए जीवन सही जीने का ढंग, उन्हें गुरु बनाइए, उनमें न छल होता है, न कपट होता है, न झूठ होता है, भूख लगती है खाना खाते हैं, नींद आती है सो जाते हैं सुकून से। अगर आपके भीतर एक बच्चा जिंदा रहेगा तो आप जीवन को आनंद से
जिएंगे। अब यहाँ क्या होने वाला है, अभी सभी को इंतजार है इस सम्मान समारोह के समाप्त होने का, क्योंकि उसके बाद पार्टी शार्टी होने वाली है और पार्टी शार्टी के लिए हम बड़ी एक्साइटेड है पुरुष मंडल गोकुलधाम सोसाइटी का, और मुझे लगता है कि जितना एक्साइटेड हमें उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड आप है। आइए मिलकर कुछ करते हैं, पार्टी शार्टी हंसी की ठाक होगी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.